थाना यानी कि सदर थाना, और उसने बताया कि जी हमारे थाने पर अटैक हो गया है। तो उसके बाद फौरन ही हम, क्योंकि करीबी थे और हम, हमारी जो QRF थी मेरी, सबसे पहले मैंने उसको भिजवाया, हमने SSP साहब को भिजवाया और फिर फौरन हम भी पहुंच गए उसको, फिर हमने एंगेज किया। मैंने फिर फौरन हमारे जो ब्रिगेडियर साहब हैं, ब्रिगेडियर बिलाल साहब रेंजर्स के, उनको फौरन फ़ोन किया मैंने, सबको मैंने इतला दी, इकट्ठा किया हमने सबको, IG साहब को बताया, एडिशनल IG साहब को बताया, और कम से कम उन्होंने 25 से ज़्यादा ग्रेनेडों के साथ इधर हमला किया और काफ़ी हमारे साथ मुकाबला किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको काफ़ी अच्छा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि जो KPM में जो स्टाफ यरगमाल हो चुका था, उसमें सबसे पहले तो एडिशनल IG साहब का जो पर्सनल स्टाफ था, एडिटर था, एडिशनल उनके PSO थे, अल्लाह का शुक्र है सबको हमने रेस्क्यू किया है, हर फ्लोर से हमने रेस्क्यू किया है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जानी नुकसान कितना हुआ है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम जानी नुकसान हुआ है, नहीं मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो आई विटनेसेस हैं, जो हमारे कॉन्स्टेबल्स ने उनको देखा है, वो कह रहे हैं कि पुलिस के वर्दी में वो नहीं थे, इसलिए उन्होंने ग्रेनेड लॉन्च किया है, ताकि पहले आते ही उन्होंने ग्रेनेड लॉन्च किया है, फायरिंग की है सदर थाने के ऊपर भी, क्योंकि उनको रखी हुई थी कि पुलिस स्टेशन है, तो सदर थाने पर भी उन्होंने अटैक किया है। मेरा ख्याल अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन ये मेन गेट से उन्होंने एंट्री की है, क्योंकि ग्रेनेड इसलिए उन्होंने मारा है, ग्रेनेड मार के भी वो ज्यादा सेंटर में। ये मेनली जो हमारा कम्बैट हुआ है वो थर्ड फोर्थ फ्लोर पे हुआ है, और फिर जब ऊपर गए फिफ्थ फ्लोर, थोड़ी कम रेजिस्टेंस मिली है, लेकिन ये जो फ्लोर सबसे ज़्यादा है कम्बैट जहाँ पे हुए, मेरे ख्याल में 40 से ज़्यादा लोग थे हमारे, 40 से ज़्यादा है, जो आखिरी जो सबसे ज़्यादा डेंजरस थे, जो मुझे बार बार SOS की कॉल दे रहे थे, वो फोर्थ फ्लोर पे थे, जिसमें हमारा नईम जो एडिटर साहब, एडिशनल IG साहब के, वसीम है जो PSO साहब, वो मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि हम शायद बाकी हम जिंदा ना रह पाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने उसको रेस्क्यू कर लिया। हमारे जवानों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से लड़े हैं और बहुत जवान मर्दी के साथ, रेंजर्स, पुलिस, आर्म फोर्सेस, ये सारों ने मिलकर एक ऑपरेशन करना है। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। आप मीडिया का भी बड़ी मेहरबानी, और मैंने पूरी कोशिश की कि एक